हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम समझेंगे अपग्रेड और फ्रीज बटन का क्या यूज होता है, कैसे ये सिस्टम वर्क करता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, तो वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा इजी वाला स्टेप खत्म करते हैं, जो कि है हमारा फ्रीज बटन। जैसे आपको नाम से ही पता चला है, फ्रीज मतलब लॉक टाइप से होने वाला है। जो भी आपको फर्स्ट राउंड में अगर मान लो कोई भी कॉलेज कोर्स अलॉट होता है, अगर आप उस चीज से पूर्णतः सेटिस्फाई हैं, मतलब पूरी तरह से खुश है, मान लो आपको मिल गया भाई आपके फेवरेट कॉलेज हिंदू कॉलेज में आपका बीकॉम ऑनर्स मिल गया या बीए पॉल साइंस ऑनर्स मिल गया, आप उससे पूरी तरह से खुश हैं, मतलब ये मेरे को चाहिए था, इसी कॉलेज से चाहिए था, ये कोर्स से चाहिए था, तो उस कंडीशन में आपको वो चीज़ क्या करनी होती है, लॉक करनी होती है। उसके लिए आपको फ्रीज बटन का यूज़ करना होता है। मतलब अगर आपने फ्रीज कर दिया तो उसके बाद आपका वो कॉलेज कोर्स में आपका एडमिशन कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद आप एडमिशन प्रोसेस में आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। एक चीज़ और आपको समझनी होगी, अगर आपने फ्रीज बटन यूज़ किया तो उसके बाद आप ऐसा नहीं हो सकता कि आपका मन कर रहा है मेरे को अपग्रेड करना है, नहीं ऐसा नहीं होगा। फ्रीज कर दिया तो आपकी जो भी एडमिशन प्रोसेस हो जाती है उसमें कंप्लीट हो जाती है, उसमें आप आगे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। ओके, अब हम समझते हैं हमारा अपग्रेड बटन कैसे काम करता है, इसको ध्यान से समझना। अगर आपने अपग्रेड बटन का यूज़ किया, सबसे पहले क्या होगा, आपका जो भी फर्स्ट राउंड में कोई भी कोर्स कॉलेज अलॉट होगा उसमें आपको सीट एक्सेप्ट करनी होती है, फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, फिर आपके फीस सबमिट हो जाएगी। मतलब आपका फर्स्ट राउंड में कोर्स और कॉलेज में जिसमें भी आपका एक एडमिशन सीट कन्फर्म हो चुकी है, फिर फीस सबमिट करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो अपग्रेड या फ्रीज। फ्रीज वाला हम समझ चुके हैं कि अगर आप खुश है तो आप फ्रीज बटन यूज़ करेंगे। तो आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है अपग्रेड का। अपग्रेड का क्या यूज होता है, जो जिस नंबर पे आपको प्रेफरेंस पे जो कोर्स कॉलेज अलर्ट हुआ है उससे ऊपर बेटर ऑप्शन है, उसमें आप जाना चाहते हो, कुछ आपको बेटर मिल सकता है, तब उस कंडीशन में आप अपना अपग्रेड बटन यूज करते हो। अब आपने अपग्रेड बटन यूज किया है तो इसमें आपको कुछ बेनिफिट मिलता है कि जिस नंबर पे आपको प्रेफरेंस सीट मिली है, जो भी मिला है उससे ऊपर तक की प्रेफरेंसेस आप वापस से रीअरेंज रीऑर्डर कर सकते हो। इसमें एक चीज ध्यान रखना, कुछ भी ऐड और डिलीट नहीं कर सकते हो, वापिस से रीसफल रीअरेंज कर सकते हो। इसके बाद अगर आपका कॉलेज अपग्रेड हो जाता है सेकंड राउंड में और आपको दूसरा नया कॉलेज मिलता है तो सेम आपको प्रोसेस रिपीट करनी होगी, आपको कॉलेज को एक्सेप्ट करना ही होगा, फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। फीस का समझ लेते हैं कि अगर आपका मान लो फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज कोर्स मिला उसमें आपकी फीस 20,000 थी और जो सेकंड में आपको मिला नया चीज मिला उसमें फीस अगर आपकी ज्यादा है 23,000 मान लेते हैं तो कितना डिफरेंस हो जाता है 3,000। तो आपको सिर्फ डिफरेंस देना होगा, ऐसे नहीं कि आपको दोबारा से 23,000 भरने होंगे, आपको सिर्फ जो डिफरेंस अमाउंट हो जाता है वो आपको भरना होता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो दूसरे में मिले उसकी फीस कम हो, तो जितना भी कम अमाउंट होगा वो आपके बैंक अकाउंट में टाइम के साथ आ जाता है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपने अपग्रेड कर दिया कॉलेज और आपको सेकंड चीज में कुछ अपग्रेडेशन के बाद कोई कॉलेज मिला तो वो आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। ऐसी बात नहीं हो जाती है कि आपको सेकंड चीज में कोई अपग्रेडेशन के बाद कॉलेज मिला आपको चाहिए था, नहीं मेरे को पहले वाला ही चाहिए था, वो कोर्स और कॉलेज सही था, ये वाला सही नहीं है, तो अब आपको ऐसा नहीं हो सकता है कि आप वापस बैक जा सको। जो आपको अपग्रेड करने के बाद मिला है उसको आपको एक्सेप्ट करना ही होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है अपग्रेड आपका कॉलेज हुआ तो वो आपको एक्सेप्ट करना ही होगा एडमिशन प्रोसेस में कंटिन्यू रहने के लिए। इस चीज को एग्जांपल समझते हैं, फर्स्ट राउंड में मान लो आपको ARSD आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज में एडमिशन मिला, किसी कोर्स में मिला, कोई सा भी कोर्स समझ लो एग्जांपल के लिए, तो आपने क्या किया अपग्रेड बटन यूज किया, फिर आपका अपग्रेड होने के बाद आपका एडमिशन हो गया KMC में हो गया, मान लो किरोड़ी मल कॉलेज में हो गया, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि वापिस आपको चाहिए ARSD तो वापिस बैक जा सको, ऐसा नहीं होगा भाई। आपको KMC में आप सीट कंफर्म ही करनी होगी, अगर आपको एडमिशन प्रोसेस में कंटिन्यू करना है, एडमिशन कंफर्म करना है तो आपको KMC में जाना ही होगा। आप समझते हैं अपग्रेड बटन के बाद अगर आपने अपग्रेड कर दिया कॉलेज, फिर आपने ये प्रोसेस कंप्लीट कर ली, जो आपकी फीस सबमिट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सीट एक्सेप्ट है, इसके बाद अगर आप फिर से अपग्रेड करते हो करना चाहते हो तो आप वापस से अपग्रेड कर सकते हो, और आपका अगर कॉलेज अपग्रेड हो जाता है तो सेम प्रोसेस रिपीट करनी होगी, सीट एक्सेप्ट करनी होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, आपका कॉलेज से आपको फीस सबमिट करनी होगी, तो वही चीज़ हो जाती है, आपको पूरी प्रोसेस रिपीट करनी होती है सभी में, जो अपग्रेड अटेंड करने के बाद हो जाते हैं उसमें आपको सारी प्रोसेस रिपीट करनी होती है। मेन चीज आपको ये समझनी होगी, अगर आपने अपग्रेड कर दिया तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप वापस बैक स्टेप में जाके आपको जो पहले चाहिए था वापस वो भी ले सकते हो, ऐसा नहीं होगा। तो मेन आपको ये ध्यान रखना होता है, जो अपग्रेड हो गया आपका कॉलेज वही आपको लेना पड़ेगा। और ऐसा भी है कि अगर आपने फ्रीज कर दिया तो उसके बाद ऐसा नहीं होगा आपका एक मन कर रहा है अब मैं अपग्रेड कर सकता हूँ, फ्रीज करने के बाद पूरा आपका प्रोसेस खत्म हो जाती है, मतलब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। एक पॉइंट और आपको बताता हूँ, अगर आपको फर्स्ट राउंड में कुछ भी कोर्स कॉलेज किसी में भी एडमिशन हुआ और आपने अपग्रेड कर दिया और मान लो आपका अपग्रेड नहीं हुआ, ऐसा भी हो सकता है अपग्रेड होकर कुछ भी ना मिले, मतलब सेकंड राउंड में आपको कुछ ना मिले, तो आपका जो फर्स्ट राउंड में जो आपकी सीट थी वो आपके पास कंफर्म ही रहेगी, ऐसे कोई बात नहीं है अपग्रेड भी नहीं हुआ तो ये जो मेरे को पहले मिला वो चला जाएगा, नहीं, अगर अपग्रेड नहीं हुआ तो जो आपके पास पहले फिक्स था वो आपके पास रहेगा। और ऐसा भी हो सकता है मान लो फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज कोर्स में एडमिशन मिला, आपने अपग्रेड किया तो अपग्रेड आपका नहीं हुआ, तो सेकंड राउंड में तो आपका अपग्रेड नहीं हुआ, बट जैसे ही थर्ड राउंड आएगा तब भी आप अपग्रेड बटन का दोबारा यूज करके, आपका एक राउंड में तो नहीं हुआ बट अगले राउंड में आप दोबारा अपग्रेड करके चेक कर सकते हो कि आपका कॉलेज अपग्रेड हुआ है या नहीं हुआ है।
आई थिंक अब आपका फ्रीज और अपग्रेड बटन का यूज समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो यार। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।